चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं है, हम हैं आपके साथ। पूरा भरोसा है हमें आप पर। थैंक यू। भैया को कुछ नहीं होगा, उनकी बेगुनाही मैं साबित करूंगा, वो सही सलामत घर वापस आएंगे। ट्रस्ट मी। विमल भैया, हम हैं आपके साथ, हमें आप पर पूरा भरोसा है विमल भैया। अरे किस मिट्टी की बनी है तू आभा, ऐसा कहने से पहले कम से कम एक बार तो लता के बारे में सोच लिया होता। क्या हालत हो गई बेचारे की, जिसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। खबरदार, जो एक लफ्ज भी और से निकाला था तुमने शीतल। लता ने अभी अपना बयान नहीं दिया है, इसलिए हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते, हमारा हक ही नहीं बनता, समझी? शीतल, तुम जब जब मुंह खोलती हो ना, तुम्हारी कम अकली दुनिया पर जाहिर हो जाती है। अपनी जुबान पर ताला लगा कर रखो। माफ कीजिएगा माँ जी, मैं जानता हूं ये सही समय नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता भगवान अच्छे लोगों के साथ ही नाइंसाफी क्यों करता है। खैर, लता जी की पहली सैलरी का चेक रेडी था तो मैंने सोचा मैं ही आप लोगों को दे दूं। माँ बाप के लिए अपने बच्चों की पहली सैलरी की क्या अहमियत होती है ये मैं समझ सकता हूँ, इसलिए ये। हाँ हाँ, वो क्या है ना, लता अगर होश में होती ना तो चेक मुझे ही देती, क्योंकि घर का सारा खर्चा तो मैं ही संभालती हूँ ना। डॉक्टर साहब, अब कैसी है हमारी बेटी? डॉक्टर साहब, हमारी दीदी को कब होश आएगा? देखिए, शायद थोड़ी देर में होश आ जाए, और जब तक होश नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। जब तक लता जी को होश नहीं आ जाता मैं यहीं रहता हूं। ठाकुर साहब, आपको किसी पर शक है? सर, आपकी छोटी बेटी की जेब को पुलिस पकड़ने के लिए। क्या कर रहे हैं आपको? तो ये हॉस्पिटल में कैसे आप हटिए, ये सब कैसे हो गया, ये सब कैसे हुआ? सर कुछ बताइए सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, इस पूरे मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैम, आपको लगता है कि इस सारे मामले से आपके खानदान की इज्जत पर कोई फर्क पड़ेगा? मैम मैम मैम, जस्ट वन क्वेश्चन मैम, एक क्विक आंसर मैम, ये सब यहाँ अलाउड नहीं है, प्लीज यहाँ से जाइए आप लोग। किसका हाथ होगा? प्लीज हमें परेशान मत करिए, जाइए यहाँ से। शांत हो जाइए, ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये हॉस्पिटल है या कोई पब्लिक फंक्शन? नहीं, आपके सवालों का जवाब मैं देता हूँ। देव, चलिए प्लीज, कैन प्लीज मैनेज, प्लीज कम ऑन, चलिए बाहर, चलिए चलिए चलिए, आइए। थैंक्स देव। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, आप चिंता मत कीजिए, इसके बारे में कुछ भी कहीं भी नहीं छपेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी। आप रिलैक्स होइए। लो, जिसका डर था वही हुआ।
अब कैसे बचोगे? किसी की जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हुआ और आप लोग उसकी कहानी बनाने पर तुले हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपकी बेटी और आपकी बहन के साथ यह हादसा हुआ होता तो क्या आप लोग उसके इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ करते? आप मीडिया, आप लोगों के दुख दर्द और उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के, लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनकी ऐसी मनोरंजक कहानियां बनाकर बेचने के लिए नहीं है। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप उसी को एक बिजनेस बनाकर ऐसी कहानियां बनाकर बेच रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। चलिए प्लीज प्लीज चलिए। थैंक यू सो मच देव, थैंक यू सो मच। रिपोर्टर्स का प्लीज प्लीज मैनेज दे, आई जस्ट गो टू द डॉक्टर। चंद्र प्रभा, आज तक हमें बड़ा गर्व था अपने ठाकुर होने पर। हमें यह अभिमान था कि हमने एक बहुत ही ऊंचे खानदान में जन्म लिया है और हमने हर ये कोशिश की कि कभी कभी भी हमारे खानदान की मान मर्यादा, उसकी इज्जत पर कोई आंच ना आए। आज आज हम हार गए चंद्र बाबा। हम ना अपनी बेटी के सम्मान की रक्षा कर पाए और ना ही अपने खानदान की इज्जत की। ऐसी बातें क्यों करते हैं? लोगों का काम ही है बातें करना, हम कितने लोगों का मुंह बंद करेंगे? और जो कुछ भी हुआ उस पर हमारा कोई बस नहीं था। आप अपने मन पर कोई बोझ मत रखिए, हमारे बच्चों को गर्व होगा अपने पिता पर। लता की बात है, हमें ही उसका सहारा बनना पड़ेगा। हमें फिर से उसे अपने पैरों पर खड़ा करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही बैठ गए तो कैसे होगा? चलिए, आप बच्चों को हमारी जरूरत होगी। आपका बहुत शुक्रिया राज। पापा ने फोन किया, तब भी उन्होंने हमें बताने से मना कर दिया कि हम उनके साथ हैं। हम वो बॉक्स लेकर विमल जी की कार की तरफ बढ़े। मैं विमल जी की गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी और अचानक किसी ने हमारे चेहरे पर रुमाल रखा और हम बेहोश हो गए। जब आग खुली हम एक गोडाउन में पड़े हुए थे और हमारे सामने विमल जी बैठे हुए थे। हमें होश आया, हम एक गोडाउन में पड़े हुए थे। पत्ते दो डाल। अरे आ गया, मेरा दोस्त आ गया। देख हाँ भाई, लगा यार
क्या चालू चालू है यार। हमने मदद मांगी। विमल जी मुझे बचा लीजिए। विमल जी ये सब लोग मुझे बचा लीजिए। लेकिन विमल जी वो कुंडे हमें नोचना चाहते थे। कोई तो गलत फहमी हो रही है दीदी। एक बार ठीक से सोचिए प्लीज। नहीं नहीं करण, ये सच है। हमने हमारी आंखों से देखा है। विमल भैया ऐसे क्यों करेंगे माँ? विमल भैया हम नहीं जानते कि उन गुंडों से विमल जी का क्या ताल्लुक था। शुक्रिया। अचानक वहां पुलिस का सायरन बजा, जिसको सुनते ही सारे गुंडे और विमल जी वहां से भाग गए और हम भी जैसे तैसे भगवान की दया से भाग निकले। शायद वो हमें डराना चाहते थे। सिर्फ डराना चाहते थे? इनकी रिपोर्ट आ गई है। क्या है रिपोर्ट डॉक्टर? रिपोर्ट आ गई है, लेकिन आप लोग प्लीज हिम्मत से काम लीजिए। ये कन्फर्म हो गया है कि इनका रेप हो गया है। देखिए आभा जी, आप लोग कंट्रोल कीजिए प्लीज। इस बात को कोई भी आसानी से मानता नहीं, लेकिन जो हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। आप लोग बाहर जाइए प्लीज, इनको आराम करने दीजिए। सिस्टर ये झूठ है, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, ये झूठ है।
गलती नहीं हुई हमारे साथ। आप लोग बाहर जाइए प्लीज, पेशेंट को आराम कर लीजिए। चलो हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, ये झूठ है। प्लीज डॉक्टर, प्लीज कुछ करिए डॉक्टर। जानता हूं फिलहाल जो हालात हैं उनसे विमल भैया सबको कसूरवार लग रहे हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूं। मां जी, मैंने विमल भैया की आंखों में सच्चाई देखी है। या तो यह बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है या बहुत बड़ी गलतफहमी। विमल भैया लता दीदी को अपनी बहन मानते हैं। बहन? हाँ? क्या बोला तुमने? बहन? नाम मत लो इस रिश्ते का करण। अब ये रिश्ता हमें किसी के भी मुंह से अच्छा नहीं लगता। देखो इसे, देख सकते हो अपनी बहन की आंख में आंसू? बोलो, हम बताते हैं, नहीं देख पाओगे? बहन की आंखों में आंसू देखना बहुत मुश्किल होता है करण। छोड़ो मेरा। और मेरे भाई पर इल्जाम लगाना बंद करो। ये है परिवार, ये उसकी बहन है। असली गुनहगार तो तुम लोग हो, और तुमने जो गलती की है उसकी सजा भुगत रही है वो लड़की। कहाँ है वो लड़की जिसे मुझे पवित्र करना है? मामा, आई 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 आई, चल। अरे मामी, ये सब ये यहाँ आइए, ये देखिए, ये रुक जाइए। क्या है ये सब? अपनी मर्यादा का उल्लंघन मत करो वरना। अरे हो रना। अरे ये क्या है मामी? जाने दीजिए, इस अभागन स्त्री के भाग्य को अभागा किया है इसके ही परिवार ने। कौन है? इसकी किस्मत को खोटा कर दिया है इसके ही परिवार के दुलार ने। गौर अनर्थ, बहुत बड़ी गलती की है तुम सबने, बहुत बड़ी गलती की है। एक छोड़ी हुई स्त्री को सोना श्रृंगार करने दिया, छोड़ी हुई स्त्री को घर से बाहर कदम रखने दिया। गोरत छोड़ी हुई स्त्री को पाए मर्दों के संपर्क में आने दिया, उनके साथ बात करने का और उनके साथ काम करने की आज्ञा दी। इसी का दुष्परिणाम है ये सब। अब इसे पवित्र करना होगा, निष्कलंक करना होगा। बंद कीजिए अपना ये ढोंग। लता, लता, और हमें अपनी मर्यादा की सीमा लांघने पर मजबूर मत कीजिए। इस गंगा जल की जरूरत हमारी दीदी को नहीं, उन लोगों को है जिन्होंने हमारी दीदी के साथ ये अन्याय किया। उन लोगों को है जिनकी सोच इतनी ओछी है। इस गंगा जल की जरूरत आप जैसे लोगों को है। दंड स्त्री, बाबा से बहस। एक छोड़ी हुई स्त्री और विधवा का स्थान घर का कोई कोना होता है, शहर की गलियों में नहीं। सदियों से चली आ रही प्रथा का तुम लोगों ने उल्लंघन किया है, इसी का परिणाम है ये। सारी दक्यानुसी बातें हैं ये। अरे हम आपसे पूछते हैं, क्या एक अकेली औरत को आम इंसानों के जैसे जीने का अधिकार नहीं? विमल नहीं आया? चाहे कोई भी कितनी भी कीचड़ उछाले विमल पे, मैं किसी की झूठी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा प्रतिभा। हे भगवान, किस मुसीबत में फंस गया हमारा बेटा? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? किस बात का बदला ले रहे कोई हमसे? माँ, क्या आप नहीं जानती कि इस घर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है?
तुम चुप रहो, जाकर देखो रसोई में क्या हो रहा है। एक मिनट, क्या मतलब दुश्मन? कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। माँ आप कब तक पापा को अंधेरे में रखेंगी? एक ना एक दिन तो इन्हें सच्चाई जाननी है। आपके लाडले बेटे करण से दुश्मनी का बदला ले रहा है राज सिंघानिया। सुनिए, हाँ आप देख तो क्यों बताया तुमने सब कुछ? आप ठीक है? रिबा, तुमने ये सारी बातें मुझसे क्यों छुपाई? मैं बीमार हूं इसलिए, लेकिन मैं अपने बच्चों की देखभाल अभी भी कर सकता हूं। प्रतिभा, वो राज सिंघानिया हो या कोई और, उसने हमारे साथ और हमारे बच्चों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। अब तो और ठाकुर साहब के परिवार के साथ और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। ठाकुर साहब की इज्जत और हमारी इज्जत एक ही है। मैं राज सिंघानिया को छोड़ूंगा नहीं। सब कर लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल आप आराम कर लीजिए। गोयल, तुमने मुझ पर बहुत हुक्म चला लिया। एक बार तुम्हारा भाई इस इल्जाम में फंस जाए तो सिर्फ मैं बचूंगी तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारा हक दिलवाने में। अब करण और विमल भैया पर भी पापा जितना कम विश्वास करें उतना ही अच्छा है, तभी तो मैं इस घर पे राज कर सकूंगी। इंस्पेक्टर। हाँ जी, हमें विमल प्रसाद से मिलना है। देखिए, इस समय पूछताछ चल रही है, आप प्लीज बाद में आइए। आप शायद भूल रहे हैं कि मैं उनका लॉयर भी हूँ और मुझे पूरा हक है अपने क्लाइंट से मिलने का। मुझे उनसे जरूरी बात करनी है अभी। ओके, हवलदार विमल प्रसाद को यहाँ लेकर आओ। चलिए, आपको साहब ने बुलाया। ठीक होंगे, चिंता मत कीजिए, कर रहे हैं कैसे भी करके यहाँ से निकालो प्लीज। भाभी संभालिए अपने आप को। संभालिए अपने आप को भाभी, ठीक हो जाएगा। भैया,
ये सब क्या है इंस्पेक्टर? वही जो हम हर मुजरिम के साथ करते हैं, जुर्म कबूल करवाने के लिए। इट इज इलीगल। हमारे भैया ने कोई जुर्म नहीं किया। आभा जी, आपकी बहन का स्टेटमेंट हमारे पास है। ये काम आपके पति के बड़े भाई ने ही किया है। बड़ी सख्त चमड़ी है आपका बड़ा भाई। इतनी मार खाने के बाद भी मिस्टर करण उसे अपना जुर्म कबूल नहीं किया। क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है। हजार बार बता चुका हूँ तुम्हें, कुछ नहीं किया है मैंने। कुछ मैं जानता हूँ भैया, भैया भैया संभालिए अपने आप को। मैं जानता हूँ आप बेगुनाह। और मैं ये साबित करके रहूंगा। हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। हेलो करण, राज बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का काम खत्म होते ही हॉस्पिटल आ जाना। माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, वो आभा जी से मिलना चाहती है। हाँ, हम लोग अभी आ रहे हैं। ओके। वो लोग पुलिस स्टेशन में। आपके तो घर में भी माँ है, बहन है, आप सब तो औरत हैं। अपने नजरिए से देखी, हमारी बहन के नजरिए से देखी। क्या अब भी आपको लगता है कि हमने जो किया गलत किया, हमें नहीं करना चाहिए था? अरे क्यों क्यों हम औरत को उसका अधिकार नहीं दिला सकते जिस पर उसका हक है? क्यों हम ऐसे ढोंग के जाल में फंसे रहते हैं और वो करते हैं जिसकी गवाही ना ही हमारा दिल देता है ना ही धर्म? है कोई जवाब आपके पास? है कोई जवाब आपके पास? प्रथा का ढिंढोरा पीटने से कोई बाबा नहीं बन जाता। अपनी गलत प्रथा के विचारों से तुम कोई भगवान के दूत नहीं बन जाओगे। धर्म सिखलाता है कि औरत का सम्मान करना चाहिए। ये तो ढोंगी बाबा निकला। मारो इसे, मारो, मारो, भाग ना भाई। अरे पकड़ो इसे, अरे पकड़ो इसे, भाग ना भाई। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।